हेलो चिल्ड्रन, यू आर अगेन वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम इस वीडियो से क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखेंगे। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यदि आपको आंसर्स दिए हुए हैं तो उनसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करें। इसके लिए हम कुछ WH वर्ड्स जानेंगे जो आपको सेंटेंस में यूज करने हैं, जैसे हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, एटसेट्रा। अब हम कुछ सिचुएशंस लेंगे जिनमें अलग अलग WH वर्ड्स यूज किए जाएंगे। सिचुएशन नंबर वन, इफ द आंसर इज गिवन अबाउट अ पर्सन देन वी विल यूज हु। मीन्स यदि हमें आंसर में मिला कि माई टीचर इज मिसिस सुनीता, देन क्वेश्चन विल बी Who is your teacher? और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Now सिचुएशन टू, इफ द टाइम इज गिवन इन आंसर देन वी विल यूज व्हेन। फॉर एग्जाम्पल, इन द आंसर इट इज गिवन आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मीन्स मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो क्वेश्चन बनेगा When do you get up? Now next situation. If the answer is given about any non-living thing or any object, then we will use what. For example, I want to eat paneer in lunch. Then question will be, what do you want to eat in lunch? Now next situation. If the answer shows any reason, means यदि उत्तर में हमें कोई कारण दिया गया है तब हम WH words में why use करेंगे। For example, if the answer is because I have lost my pen, answer में दिया हुआ है कि मैंने अपना pen खो दिया, then question will be why are you sad, कि आप क्यों दुखी हो। इसी तरह से हम एक और सिचुएशन देखते हैं, इफ द आंसर शोज अबाउट अ प्लेस, यदि आंसर में किसी जगह के बारे में बताया गया है तब हम WH वर्ड्स में वेयर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द आंसर गिविन आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूँ, देन क्वेश्चन विल बी वेयर आर यू गोइंग। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, If the answer is about any choice, then we will use which. यदि कोई choice दी हुई है तब वहाँ पर हम WH के रूप में which use करेंगे। For example, in the answer, it is given, the green bag is mine, कि green bag मेरा है, then question will be, which is your bag? तो प्रश्न में पूछा जाएगा कि आपका bag कौन सा है। तो इस तरह से हम कुछ WH वर्ड्स यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू।